हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है देवन लहरी और आज मैं बात करूंगा कि जो अपने एयरटेल का जो कनेक्शन है वो अपने खुद के राउटर में कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैं अपना टीपी लिंक का मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने राउटर के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं पूरा सेटअप नहीं बताऊँगा लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगा फॉर प्राइवेसी रीजंस, क्योंकि उसमें कुछ वो वारंटी यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होते हैं और उसमें एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं स्क्रीनशॉट्स ही ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने हो या कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। बाकी ये है, जब अगर आपने एयरटेल से जब फाइबर को क्या बोलते हैं, जो फाइबर वाली लाइन है जब फोन पे आप लगाते हैं, तो कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप देरी करते हैं तो एयरटेल ऑटोमेटिकली एक अपना रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता है कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके यहाँ के कनेक्शन प्रॉपर नहीं चल रही है। ये कोशिश करिए कि 15 मिनट, हो सके 15 मिनट पे ही कर लीजिए। पहले आप सब कुछ देख लीजिए कि क्या 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 कनेक्शन लगेगा, फिर बाद में जाके शुरू करिएगा, वरना फिर क्या होगा कि उनके यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर वो जो आपके एरिया के जो इंजीनियर है वो आपको फ़ोन करेंगे पूछेंगे क्या है। मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैंने ये बहाना बना दिया था कि मेरा लाइट चली गई थी वगैरह वगैरह, इसलिए कुछ हो गया होगा। बस बस ये इसका ये ध्यान रखना है कि ये वैसे जो रीजन वाइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया के यहाँ पे कितनी अच्छी सर्विस है। मेरा तो वैसे ठीक है, अच्छी खासी सर्विस है, तो इसलिए अपने आप ही रिक्वेस्ट एक क्रिएट हो जाता है अगर कोई भी अगर कनेक्शन या लाइन पे कुछ दिक्कत आती है तो। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे आप 192.168.1.1 पे आप टाइप करेंगे और एंटर करने के बाद आपको ये क्विक सेटअप आएगा। आपका इंडियन रीजन और टाइम जोन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस में पहली बार तो ये आपका ये रजिस्टरिंग दिखाएगा। आपको क्या करना है, एसएन टाइप के आस्काई प्लस एक्स पे क्लिक करना है, फिर जीपोन एसएन में जो आपका एयरटेल का जो जीपोन एसएन है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। पासवर्ड टाइप को आपको स्काई में जीपोन पासवर्ड पे आपका जो अकाउंट नंबर है एयरटेल का वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर उसके बाद रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर हो जाएगा तो आपका मतलब कि आपका कनेक्शन जो आपके मॉडम से एयरटेल सर्वर में आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट जाना है सीधा एडवांस पे, नेटवर्क पे, फिर इंटरनेट पे। आपको यहाँ ऐड का बटन दिखाई दे रहा है, आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब खुल के आ जाएगा। अब वीलैन पे इनेबल होगा ऑटो, और सर्च रिजल्ट पे ये 100 जो PPO है ये वाला करेंगे, मल्टीकास्ट 0 रहेगा। यूज़र नेम पे क्या रहेगा, यूज़र नेम आपका वो मैं आपको ये फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कैसा होगा। किसी किसी रीजन पे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट रहेंगे। पहले आपका क्या रहेगा, STD कोड विथ ये आपको जो ये यूज़र नेम है ये आपको एयरटेल क्या बोलते हैं उसमें मिल जाएगा, एयरटेल वाले राउटर में। आपको ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हर एक एयरटेल राउटर में अलग टाइप के कुछ मिलता है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। आप इसमें ये देख लीजिए कि यूज़र नेम के बाद @ के बाद airtelbroadband.in होना चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए कि STD कोड विथ टेलीफोन नंबर _DSL, ये एक तरह का एक फॉर्मेट होना चाहिए। फिर पासवर्ड में आपका अकाउंट नंबर होगा और फिर जाके फिर अकाउंट नंबर पे कंफर्म पासवर्ड वही अकाउंट नंबर, कनेक्शन मोड पे ऑटो, ऑथेंटिकेशन टाइप ऑटो, डिफ़ॉल्ट गेटवे करंट कनेक्शन, IPv6 एनेबल करना चाहते तो कर लीजिए, यही कनेक्शन वो सब होगा। एडवांस पे MTU साइज़, ये हर एक के एयरटेल में अलग अलग दिया रहता है,
चेक कर लीजिए क्या कि आपके यहाँ पे MTU साइज़ क्या है। मेरा 1492 है तो मैं 1492 करता हूँ, और फिर कुछ और करना नहीं है। फिर जाके लैन जो भी आपको इसमें इंटरफेस करना है कर लीजिए और सेव में कर दीजिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये PPOE आपका क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब आप स्पीड टेस्ट पे जाएंगे तो आपका जो एयरटेल है ये वैसे डायनेमिक आईपी के लिए था, तो आपका एयरटेल सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है आपके कस्टम मॉडेम पे। स्पीड टेस्ट करेंगे आपको फुल स्पीड देगा। मेरा 200 MBPS का कनेक्शन है तो देखते हैं कितना देता है। 6 पिंग ठीक है भाई साहब, 1 GB दे रहा है और क्या चाहिए। इनका ये स्टैटिक है भी बाकी ही बहुत ज़्यादा घटिया है, ये कैसे हो गया। एक जगह भी डाउनलोड दे रहा है, ये कैसे हो गया। फास्ट में देखते हैं, हाँ ये ठीक है, पता नहीं बावड़ा हो गया सीधे। 1 GB की स्पीड दे रहा है। मेरा 200 MBPS का ही कनेक्शन है, 1 GB की नहीं है, उतना अमीर नहीं हूँ मैं, तो ये ठीक चल रहा है। हाँ ठीक ही चल रहा है। तो ये क्या बोलते हैं डायनेमिक आईपी के लिए था। स्टैटिक आईपी के लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आप स्टैटिक आईपी के लिए हूबहू जो एयरटेल में जो सेट है वैसे ही आपको करना है। मैं ये देख के कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा है। आपको क्या करना है, क्या करना है, ऐड पे जाएंगे, अगेन ऐड पे, सर्च रिजल्ट पे वही 100 PPOE मल्टी कैस्ट लैन 0। आप कनेक्शन टाइप पे हम लोग स्टैटिक आईपी डालेंगे। अब इसमें आईपी एड्रेस जो आपको एयरटेल ने प्रोवाइड किया वही आप डालेंगे। मैं अपना डाल देता हूँ। सबनेट में कभी कभार क्या होता है कि एयरटेल में 225 करके रहता है और ज़्यादातर जो मॉडम होते हैं वो 225 एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 255 करते हैं। वो डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। 0 गेटवे जो आपका एयरटेल ने प्रोवाइड किया वो जो सेटअप है आपके एयरटेल राउटर में वही होगा। डायनेमिक DNS जो आपके एयरटेल राउटर में वही होगा। सेकेंडरी वही सेम टू सेम। डिफॉल्ट गेटवे ये होगा करंट कनेक्शन पे। IPv6 तो है नहीं, एयरटेल IPv4 अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। VoIP TR609। MTU साइज आपका 500 रहेगा। स्टैटिक आईपी में 1500 रहता है और डायनेमिक आईपी में 1492 जो मेरे यहाँ पे सेटअप है, आपको दे लीजिए, सेव कर दीजिए। अब ये बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड रह जाएगा, ये आप डिसकनेक्ट कर नहीं सकते, ये आपका ऑटोमेटिक ही कनेक्टेड रहेगा। ये वाला नीचे वाला ये डायनेमिक का है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर अब मैं स्पीड रिजल्ट पे जाता हूँ, स्पीड टेस्ट, तो मेरा अभी एक स्टैटिक आईपी में हो चुका है। अब इधर उधर क्या बोलते हैं कि मेरा वही सेम 200 MBPS का कनेक्शन है तो ये ठीक दे रहा है, 1 GBPS नहीं दे रहा है। एयरटेल वालों ने क्या बोलते हैं स्टैटिक आईपी पे जो एक बग था 1 GBPS का, वो लगता है इन्होंने सॉल्व कर दिया है, तब 1 GBPS नहीं मिलने वाला, भूल जाओ, बहुत लूट ली। तो ये अब ठीक चल रहा है। फास्ट पे जाते हैं, ये भी ठीक दार ठीक था, वही 200 के ऊपर ही दे रहा है। तो ये है एयरटेल का मॉडम सेटअप। अभी मैं टेलीफोन का मैं सेटअप नहीं कर पाया हूँ, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, अभी के लिए तो यही है। आपको इसका मैं वाईफाई स्पीड टेस्ट भी करता हूँ। इसका जो टीपी लिंक का जो वाईफाई है ये 2.4 GHz का है, डुअल बैंड नहीं है, सिंगल बैंड है।
तो ठीक है,